चलिए लिमसेट के एक नए टॉपर से मिलते हैं, कास्तुभ देशमुख से, जो कि महाराष्ट्र हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 217 है। और कास्तुभ, सबसे पहले 217 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एक्चुअली मेरे जो रिजल्ट है उस आपकी वजह से आप आए सर। तो कास्तुभ, अब आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था, और आप, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को जरूर बताएं कि आपने कब लिमसेट के लिए सोचा, फिर कितनी पढ़ाई की, अगर लास्ट ईयर दिया था एग्जाम तो क्या रैंक थी, और फिर इम्पिटस के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह से टेस्ट पेपर दिए, सारी चीजें मैं चाहूंगा आप बताएं। सर मैंने लास्ट ईयर सोचा था नेमसेट के लिए, बट ओके लास्ट ईयर मेरा उतना प्रिपेयर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर भी आपका मतलब ऑनलाइन कोर्स लिया था, बट लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, मतलब एंड तक मैं जा ही नहीं पाया, बीच में मेरा छूट गया। ठीक है जो मतलब वीडियो क्लासेस वगैरह थे वो भी मतलब मैं अटेंड नहीं कर पाता था, तो इस वजह से मैंने लास्ट ईयर मैंने एग्जाम नहीं दी नेमसेट की। फिर ठीक लास्ट ईयर है मैंने सीयूटी की एग्जाम दी थी, तो उसमें भी मेरा मतलब 165 ऐसा कुछ स्कोर था मेरा, तो ठीक है उसमें मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो भी मुझे नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने मतलब उस जो मैंने AKTO के लिए अप्लाई किया था काउंसलिंग में, तो उसका काउंसलिंग भी मतलब लेट ही मतलब चल रहा था पूरा। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मतलब लगभग सितंबर तक हो जाएगा, हो गया था मतलब उसका वो, ठीक तो है फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप ही लेना चाहिए। तो फिर मैंने आपका जो बैच ज्वाइन किया सर, मतलब लगभग अक्टूबर या सितंबर में सर। और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर इम्पिटस का एक्सपीरियंस तो मतलब अच्छा ही होता है ऑलवेज, क्योंकि सर हाँ मतलब मोस्टली क्या हुआ कि मेरा जो लास्ट ईयर मैंने आपका जो लेक्चर्स वगैरह होते थे ना, जो आप मतलब डाउट्स डिस्कशंस होते थे शीट्स के या फिर टेस्ट पेपर एनालिसिस वगैरह, वो मैं अटेंड नहीं कर पाया। अगर मैं वो भी अटेंड करता ना मेरा शायद अच्छा रैंक आता। वही मैंने इम्प्रूव किया इस साल, क्योंकि मैंने बाकी मतलब शीट्स वगैरह वो मतलब मैंने सही बोलो तो कई कई शिफ्ट मैंने ऐसे कि एक बार भी नहीं किए, मतलब ऐसा भी ओके हुआ, बट मेरा सिलेक्शन जो है, जो आप जो क्लास में करते थे ना सर, कि मतलब क्वेश्चंस वगैरह कराते थे प्रैक्टिस के, जो डाउट मतलब जिस करते थे शीट्स के टेस्ट पेपर एनालिसिस, मतलब बहुत कंटेंट था सर। तो मैं क्या करता था कि जो आप क्वेश्चंस वगैरह कराते थे ना क्लास में, तो मैं ट्राई करता था कि क्लास में ही मतलब मैं सॉल्व करूँ वो, तो मैं वो ठीक क्लास में है करता था सॉल्व, क्योंकि ओके मेरे मुझे पता था कि मेरी कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन नहीं हो पाएगी बाद में, क्योंकि डिसिप्लिन मेरा इतना अच्छा नहीं था। तो मैं क्लास में ही सब कर लेता था, मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह वो मैं करता था, मतलब सर आप बताने के पहले मैं सॉल्व करता था, तो तो ये तो और टेस्ट पेपर बड़ी यूनिक बात वगैरह। बताई कास्तो आपने, कि आपका डिसिप्लिन नहीं था, उसके बाद भी आपकी 217 रैंक थी, और क्लास में रहते सर हुए कर लेते, तो इम्पीटस गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन जैसी नहीं होती, वो लाइव क्लास जैसी, मतलब एक्चुअल क्लास जैसी ही बिल्कुल फीलिंग होती, क्योंकि वो एक्चुअल क्लास के साथ ही पढ़ते हो आप। यस सर, तो मतलब इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया, नहीं तो मतलब मेरा जो जो कंसिस्टेंसी थी उसके हिसाब से तो मेरा ये सिलेक्शन हो नहीं मतलब नहीं हो सकता था। ओके यस सर चलो, तो कास्तुभ आपने जो बात बताई, अच्छा कास्तुभ आपने जब ड्रॉप लिया, तो इंटायर ईयर आपको कभी कोई डर या कोई प्रेशर आया? सर डर तो नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मेरे खुद पे बिलीव था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे मतलब खुद पे बिलीव था, बट डर तो मतलब प्रेशर आता था, मतलब ऐसा होता था कि रिवाइज मतलब रिवाइज भी नहीं करता था, मतलब अच्छे स्टार्टिंग में अच्छे से किया मैंने, जैसे जैसे जनवरी फरवरी आ गया तो मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगे, मतलब ओके रिवाइज भी अच्छे से नहीं होता था। तो ऐसा हुआ कि लास्ट में आके मतलब लास्ट के 3-4 दिन बचे थे सर एग्जाम के लिए, फिर वो रिवाइज रिविजन भी नहीं था मेरा किसी किस टॉपिक का। तो लास्ट में क्या होता था कि हम अगर रिविजन करने लगते थे, हम नोट्स पढ़ने लगते, फिर हम पूरा नोट्स मतलब पढ़ते फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, फिर मतलब ऐसे हम पढ़ने की कोशिश कर लेते, लेकिन हम इन तक आते तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ नहीं आता, मतलब कुछ नहीं, हमें मतलब दिमाग में कुछ नहीं गया, तो ऐसा ही होता है। तो मैंने क्या किया कि लास्ट में रिविजन भी मतलब मेरा नहीं था, मतलब कुछ रिविजन भी नहीं था, वो प्रेशर था, मुझे पता है उसमें नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी करूँ मैं तो मेरा दिमाग नहीं जाएगा मेरे पे, और ठीक लास्ट है में मुझे कुछ याद नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने लास्ट 3-4 दिन मैंने पूरा रिलैक्स किया, बस आपके मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं वार्म अप टेस्ट वगैरह वही दे पाया मैं बस, और कुछ नहीं किया मैंने, बस मैंने मैंने यही था कि इसका जो पेपर आया है इस साल का वो पूरा टाइम मैनेजमेंट का है, और जो प्रेशर हैंडलिंग का है वही है, और एक्यूरेंसी मेंटेन करनी है बस, अगर यही किया ना मैंने और बेसिक वगैरह क्लियर थे तो बस मेरा हो जाएगा, यही था मेरे। बिल्कुल एकदम सही बात बोली, कि जो इस बार का पेपर था उसमें सारा खेल था टाइम मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन और एक्यूरेसी ऑफ क्वेश्चन। जो बच्चे ये यस कर सर पाए उन्होंने बहुत अच्छी रैंक दी, और बाई चांस जो बच्चे नहीं कर पाए या उनके अटेम्प्ट रॉन्ग ज्यादा हो गए, उस वजह से कई बार बच्चे आउट हुए। पेपर ऐसा नहीं था कि मैनेज नहीं हो सकता था, पर बस माइंडसेट क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कास्तुभ आप मुझे ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे?
और जो बच्चे ड्रॉप सर ले रहे थे जूनियर घबराते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर, ड्रॉप लेने के लिए मतलब आपको पहले खुद पे बिलीव होना चाहिए था, क्योंकि मेरा भी एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी मतलब नहीं मान रहे थे कि ड्रॉप मत लो, मतलब ये एरिया वेस्ट वगैरह जाएगा, क्योंकि तुम मतलब पढ़ाई वगैरह अच्छे से नहीं करता था, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाई थी। तो मुझे पता था लेकिन मैं कर 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 लूंगा, मैं ड्रॉप लिया तो, क्योंकि खुद पे बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब सर एक ऐसा होता है कि सर कभी कभार आपको अकेला भी खड़े रहना पड़ता है, मतलब आप बिल्कुल अपने सही के बात लिए है। अपना अगर बिलीव है तो मैंने बस वही किया, मुझे पता था कि रिजल्ट आएगा तो मतलब सब खुश हो जाएंगे। तो और अभी जो मेन है ना, अभी जो टेस्ट पैटर्न अभी चेंज हो गया है ना, तो उसके लिए आपको पेपर हैंडलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको कितना भी मैथ्स आता हो ना, आप अगर आप पेपर में एक्यूरेंसी आपकी नहीं बनी या फिर प्रेशर में आ गए, तो आपका तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका रैंक मतलब 10-20 मार्क्स में भी बहुत रैंक डाउन होता है। बिल्कुल सही तो बात ये बोली, सर बस। तो हाँ बिल्कुल सही बोला कास्तो आपने। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और अब आपको अच्छा एनआईटी भी मिलेगा, वहां जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। पर अब फिर भी बोलूंगा थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा वो, और जी रेगुलरिटी सर, मेंटेन अभी करो। वही। और अभी आप भोपाल अवार्ड सेरेमनी में मिलोगे मुझसे, तो वंस अगेन एक बार फिर यस से सर, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।